हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट सुबह हो चुकी है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। फ्रेंड के यहाँ रुके थे आज नाइट, अभी चलते हैं वापसी द्वारका। टाइम लेट हो चुके हैं, 9 बज गए अभी, तो चलते हैं यहाँ से। फ्रेंड भी आ ही रहा है उधर पे, अभी गया थोड़ा काम से तो दुकान पे आ रहा, दुकान से अभी चाय पानी पीते हैं, फिर वहाँ से अलग पड़ जाएंगे। तो घर पे था, वहाँ पे तो शूट कर नहीं पाया, तो अभी देखते हैं। अरे यार, रास्ता उल्टा पकड़ लिया। यार कौन सी गलियों में घुस गया पता नहीं। रोड ऊपर जाऊं डबल मैन, मेन रोड ऊपर जाऊं तो रोड ऊपर हम पर ही जाऊं, द्वारका जाऊं मैं, द्वारका बस जाऊंगा, द्वारका जाऊं हम जाऊं मैं ले जाऊं ठीक है। हां पता ही था, उल्टा पकड़ लिया। ये कौन सा पुलिस चौकी? अच्छा हाँ, समझ गया। कल रात को इधर से गए थे, कोई नहीं, कभी कभी होता भी है ऐसा। वाह जी वाह, शिव जी। भाई साहब क्या ही नजारा, मस्त लोकेशन है भाई, एक नंबर, दूर दूर तक खुला ही एरिया, मजा आ गया। द्वारका 101 यहाँ से। भाई नजारे मस्त मस्त है इधर तो, लोकेशन भी बढ़िया है, मजा आ गया भाई। अभी भाटिया पहुंचे, भाटिया बच्चे देख रहे हैं मुझे, हेलमेट में क्या लगाया। लोग बहुत बहुत थक चुका हूँ, क्या करें, अब सोच रहे हैं कि द्वारका जाए, दर्शन करें, कहीं सो जाए थोड़ी देर, और क्या। तेरी
कोई नहीं, चलो भाटिया पहुंच चुके हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 40 किलोमीटर के समथिंग है अभी भी, तो फटाफट पहुंचते हैं और क्या करें। अभी चढ़ चुके हैं हाईवे पे, फटाफट से निकलते हैं। उधर से रास्ता कोई ऐसे दिखा नहीं क्योंकि वहाँ पे रास्ता कोई है ही नहीं। आगे जाके रॉन्ग साइड से फिर वापसी कट लेके अंदर जाना पड़ेगा उस तरफ हमें कैसे भी करके। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं द्वारका। द्वारका 42 किलोमीटर है यहाँ से, बोर्ड पे लिखा हुआ है साफ साफ। तो फटाफट से निकलते पहले। तो फाइनली पहुँच चुके हैं द्वारका। द्वारका मंदिर के पास पहुँचने वाला हूँ जस्ट। आपको दिख रहा होगा मंदिर यहाँ से, तो चलते हैं दर्शन करते हैं फिर वापसी निकलेंगे यहाँ से पोरबंदर के लिए। पोरबंदर से फिर घर पे चले जाएंगे। तो अभी भी कम से कम 250 किलोमीटर तो चला नहीं है, तो पहले चलते हैं मंदिर पे दर्शन करते हैं फिर निकलते हैं। पार्किंग का मंदिर है, फाइनली पहुंच चुके भाई दर्शन के लिए। पार्किंग कर दी है बाइक, चलते हैं। चलो